नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर लेके आए हैं वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, यूजफुल रहेगी। तो ये देखिए, हमने कपड़ा ले लिया है कॉटन का। आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। उसके बाद हम ये दो बर्तन लिए हैं, तो जिसका भी आपको बनाना हो उसी का नाप लें। तो ये देखिए, इस तरह हम रखेंगे उल्टा करके और इस तरह हम सर्कल खींच लेंगे इसी के नाप से। तो ये देखिए, इस तरह हमने ये खींच लिया है। उसके बाद हम इसे, ये देखिए, डेढ़ डेढ़ इंच पे इसी तरह निशान लगाते जाएंगे। जो लाइन खींची है उसके ऊपर से डेढ़ या दो, दो की भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरह पूरे में करना है। ये देखिए, इस तरह हमने कर लिया। तो उसके बाद हम इसे काट लेंगे इसी तरह। हमें गोलाई में ये काट लेना है। तो ये देखिए, हमने काट के, और हमें एक पीस और काटना है इसी के नाप। तो चलिए, इसी के नाप हम एक पीस और काट लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे, जो कि काटने में हमें आसानी रहेगी। तो ये देखिए, इस तरह पूरे में हम पिन लगा देंगे। और उसके बाद हमने ये दो पीस तैयार कर लिए। ये देखिए इस तरह। तो अब हम इसे सिलाई कर लेंगे इसी तरह, और थोड़ा सा इसे खुला रखेंगे। तो चलिए, ये देखिए, हम इस तरह से गोलाई से इसमें सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने खुला छोड़ा है, इसे नहीं सिलेंगे। उसके बाद हम इसे पिन को निकाल देंगे और इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह हमें अच्छे से इसे सेट कर लेना है सीधा करके। उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई कर देना है। ये देखिए, इस तरह सिलाई करके फिर हमने एक और गोल सिलाई ऊपर से लगा दी है। ये देखिए इस तरह। उसके बाद इसका नाप लेके, जो इसकी लाइन आती है उसे छोड़ के, उसके ऊपर से हमें दो लाइनें और खींचनी है। ये देखिए इस तरह। तो ये लाइन हमें छोड़ते हुए, इसके ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए दो लाइन हमें इसी तरह गोलाई में खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह, जिस तरह हम खींच रहे हैं। तो इसी तरह हमें पूरा गोल कर लेना है खींच के। तो ये देखिए, इस तरह हमने दो लाइनें और कर ली हैं। तो ये हमारी तीन लाइनें हो गई। जो बर्तन का नाप है उसी लाइन को छोड़ के दूसरी दो लाइनों पे हमें सिलाई करनी है इस तरह। पहली लाइन को छोड़ते हुए दूसरी दो सिलाई पे इस तरह, ये देखिए, रखनी है। उसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे बीच में कट कर देंगे, जहाँ पे सिलाई रखी है उसके बीच में। और इस तरह ये देखिए, इलास्टिक लेंगे हम और इसे हम डाल देंगे। इसी तरह हमें इसे पूरे में डालते हुए निकाल देना है। उसके बाद हमें सिलाई कर देना है रबड़ पे। तो ये देखिए इस तरह, आपको देखना है कितनी आ रही है। उसी नाप से काट के रबड़ को, इसको यहाँ पे सिलाई कर देनी है और अंदर की साइड में इसे दबा देना है। उसके बाद हम देखते हैं बर्तन में ये डाल के, ये देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हो गया। तो इस तरह आप बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ भी रखते हैं किचन में तो इस तरह ढक के आप रख सकते हैं, मक्खी कीड़ों से बचा के। अगर जाली नहीं रखते हैं तो इस तरह आप कपड़े की बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।